नहीं बनी थी। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम प्रज्ञाक्षी मंगलम मनोहरी या देवी सर्वभूतेश्वरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते ब्रह्माणि मां रुद्राणि मां कमलाराणि मां पार्वती। हरि ओम गजानन भौतिकनादि सेवितं कवितजं गोपालचारणं उमा सुतसोम विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पालकं मां कदं नमामि भर्तां भजने गणपति महाराज नमामि। हरि ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमः दिनकराय जो देवाय नमः। ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमः दिनकराय जो देवाय नमः। हरि ओम कपूर गौरव करुणाजगतारं संसार सारभुजकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। सर्वभवन्तु सुखी सर्वशान्ति सुखी सर्वभवन्तु सुखी। ओं ब्रह्मांगारी कृपांतकारी वांछसि भूमि वसनी राहु केतु सर्व ग्रह शांति शांति सर्वो शांति श्यामा शांति करवंतु शांति। देवाय नमामि तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वर्दो भव। हरिओं वस्त्रं समर्पयामि से पूछा। हे प्रभु इस कलयुग में वेद विधाता रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मन वांछित फल भी मिले वह कथा हमारे सुनने की इच्छा है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी बोले हे वैष्णवो पूज्य आपने सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस सब श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा और श्री लक्ष्मीपति नारायण मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा को अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक आ पहुँचे और वहाँ पर अनेक योनियों में पैदा हुए। प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखित पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर श्री विष्णु लोक गए। विष्णु लोक गए वहाँ श्वेत वर्ण चार भुजा वाले इस देव नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा वरमाला तथा पागमर पहने हुए थे स्तुति करने लगे। हे भगवान आप अत्यंत है आप शक्ति है आप संपन्न है तथा आप मन तथा की वाणी को मैं नहीं पा सकता। आपको आदि है आप मध्य है आप अनंत नहीं आप निर्गुण है आप स्वरूप है आप सृष्टि आदि और भूतों के स्वामी है। इस कर विष्णु भगवान बोले हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है और आपका किस काम से यहाँ आगमन हुआ है निसंकोच होकर कहो। तब मुनि बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी हो रहे हैं तथा हे नाथ अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए उन मनुष्यों के सब थोड़े समय ही प्रयत्न करने से कैसे दुख दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस को काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह तुमसे कहता हूँ सुनो। पुण्य देने वाला है स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों को दुर्लभ वह एक उत्तम व्रत है जिसे तुम्हें आज प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुवर्त तथा सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले उस व्रत का फल क्या है क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया
और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके दुख पाया। एक समय वह वन के जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बंधु के साथ सत्यदेव का पूजन करते हुए देखा। वह देख कर भी अभिमानी वहाँ नहीं गया, बुरा तो चुनाव बैठे जहाँ करके नमस्कार करा, नमस्कार भी नहीं किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, तब प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चल दिया। उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन किया और प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर वह दीर्घकाल तक सुख होकर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह भगवान की कृपा से धन्य धन्य उत्तराधि की प्राप्ति होगी और सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम पाया। साधु नाम का वैश्य ने मोवर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्य से जुड़वाया और मोक्ष पाया। फिर तुम ध्वज नाम का सोमवयु होकर के भगवान के भक्ति युक्त कर्म और मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण पुराणी रेवा खंड श्री सत्यनारायण भगवान की पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। सदा वसंतम दया।